सांस्कृतिक इंटरनेशनल स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। मैरवा के राधे श्यामपुरम लक्ष्मीपुर रेलवे ढाला के समीप स्थित सांस्कृतिक इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, जिला परिषद अध्यक्ष संगीता चौधरी, चेयरमैन प्रतिनिधि अभिमन्यु गुप्ता और सोनू, लोजपा नेता विनोद तिवारी सहित सैकड़ों अभिभावक पहुंचे हुए थे। इस प्रदर्शनी में स्कूल के 450 विद्यार्थियों ने अपने अपने मॉडल्स को प्रदर्शित करते हुए अपनी प्रतिभा को साबित कर सभी को प्रभावित किया। विद्यार्थियों के कई मॉडल आकर्षण का केंद्र बने रहे। स्कूलों में छात्रों ने विधानसभा, लोकसभा, राम मंदिर, चंद्रयान 3, आदित्य एल्बर्ट, स्मार्ट सिटी, ग्रीन अर्थ पेरीस्कोप, वैक्यूम क्लीनर, मेट्रो सिटी, पोल्यूशन फ्री एडियोमेंट समेत अन्य प्रकार के मॉडल को बनाया था, जो छात्रों ने अपने द्वारा बनाए गए मॉडल को विस्तृत रूप से बताते हुए देखा गया। सांस्कृतिक स्कूल के प्रांगण में विज्ञान प्रदर्शनी को देखने के लिए छात्रों के सैकड़ों अभिभावक पहुंचे हुए थे, जिसमें छात्रों ने विज्ञान, भूगोल, हस्तकला में उत्साहपूर्वक प्रतिभाग करते हुए अपनी प्रतिभा और वैज्ञानिक सोच को प्रदर्शित कर सभी की प्रशंसा हासिल की। डायरेक्टर अभिषेक पांडे ने कहा कि इस प्रदर्शनी से बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने और उनका विज्ञान के प्रति आकर्षण को बढ़ाने का मौका मिलता है। स्कूल के प्रिंसिपल अभिजीत चक्रवर्ती ने कहा कि एक सप्ताह में बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी को लेकर मॉडल तैयार किए हैं, जो काबिले तारीफ है। उन्होंने शिक्षा के साथ साथ उनके प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। स्कूल के संस्थापक अभिनीत राय तथा उप प्रिंसिपल मिथुन उकप्पा ने छात्रों के प्रदर्शन को उत्कृष्ट बताया है। मैरवा के सांस्कृतिक इंटरनेशनल स्कूल द्वारा काफ़ी अनोखा कार्य किया गया है, जो कि एक तरह से जो इस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन किया गया है। क्या कहेंगे विद्यालय के इस पहल को लेकर? बहुत ही अच्छा पहल है, और विद्यालय के जो भी संस्थापक हैं, यहाँ के टीचर्स हैं, बच्चों को एक अलग वातावरण एनवायरमेंट में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लिए मैं तहे दिल से इन सभी पेरेंट्स और टीचर्स को भी धन्यवाद देता हूं कि पेरेंट्स के मदद से बच्चों ने बहुत चीज़ें बनाकर यहां पर लाई हैं। कुछ कुछ बच्चे बता रहे हैं, वो बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो इस उम्र में बच्चे याद करके ही बता रहे हैं, पर बड़े अच्छे से कायदे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी प्रतिभा को बता रहे हैं। ये एक बहुत ही अलग इन्वायरमेंट में बच्चों को शिक्षा मिल रही है। इसके लिए संस्कृति के सभी टीचर्स और संस्थापक को बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैरवा में इस तरह का अनोखा पहल है, तो और भी बहुत सारे विद्यालय हैं, क्या कहेंगे कि मैं ऐसा? देखिए, सबको अपने ये सब देखकर मॉडल एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए, और सभी लोग आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे इस क्षेत्र में, और साइंस के क्षेत्र में बच्चे जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप यहाँ पर पहुँचे हुए, आपको क्या अच्छा लगा है? यहाँ पर एक बच्ची आगे पार्किंग वगैरह भी बनाए हैं, काफ़ी अच्छा लगा कि शहर में आए दिन पार्किंग की समस्या हो रही है, उसको लेकर वो पार्किंग की व्यवस्थाएं को सुसज्जित रूप से सजाने की कोशिश किया है अपने आर्ट्स के रूप में। और स्मार्ट सिटी भी कई बच्चे बनाए हैं, बहुत अच्छा लगा स्मार्ट सिटी। देश में हम लोग मोदी जी का तो ड्रीम प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी, तो लोगों को भी स्मार्ट होना पड़ेगा स्मार्ट सिटी के लिए। तो जब बच्चे शुरू से स्मार्ट सिटी के बारे में जानेंगे, तो आगे चल के वो खुद स्मार्ट सिटी में बनाने में अपना मदद करेंगे, ये हमें अपना पूर्ण विश्वास है। पर्चे बताइए। पर्चे नगर पंचायत अध्यक्ष पुत्र अभिमन्यु कुमार। आपने पूरा विद्यालय घुमा, संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल ये मैरवा में है, और एक अनोखा पहल किया गया है यहाँ विद्यालय परिवार के तरफ से, बच्चों के द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपने पूरा भ्रमण किया है, क्या कहेंगे यहाँ के विद्यालय और बच्चों के बारे में? इस विद्यालय के लिए, इसके संस्थापक के लिए, इसके संचालन करने वाले सभी लोगों के लिए आज का दिन बेहद और हम सभी के लिए खुशी का दिन है। इसका आज वार्षिक उत्सव है, और इस अवसर पर जो बच्चों द्वारा तरह तरह की विज्ञान प्रदर्शनी अपनी लगाई गई है और अपनी कला का प्रदर्शन किया गया है,
उस सभी के लिए मैं बहुत बहुत विद्यालय परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि इतना उच्च कोटि का बच्चों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। इसमें अभी जो हमारे अयोध्या में राम मंदिर बना उसका भी कला का एक आकृति बनाई गई है, कलाकृति किया गया है, नए संसद भवन का भी जो बनाया गया है, ऐसे ऐसे बहुत अनेकों चित्र हैं। हमको तो मैंने सबसे बच्चे तो सभी लोगों ने सब तरह के बनाए हैं, लेकिन हमको सबसे अच्छा इसमें राम मंदिर का जो प्रदर्शनी लगाया गया वो लगा। और जो बच्चे जो अपने प्रदर्शनी के बारे में जानकारी दे रहे हैं इंग्लिश या हिंदी जिस भी मीडियम में, इसमें पेरेंट्स सुनना चाह रहे हैं, तो उनका अनुभव कैसा है बच्चों का? बिल्कुल बिल्कुल, हमको तो लगा कि बहुत ही अच्छा बच्चों ने प्रदर्शन किया है, और चाहे बोलने का, पढ़ने का, बनाने कला का हर, और इसमें पेरेंट्स को भी हम धन्यवाद देंगे कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इस स्कूल पर विश्वास किया और उसी के आधार पर बच्चों ने प्रदर्शन किया। विनोद तिवारी, प्रदेश महासचिव, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास। है संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, इसके द्वारा एक अनोखा कार्य किया गया है, यहाँ के बच्चों के द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, और जो बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपने जो उनको सब्जेक्ट दिया गया है उस पर कार्य कर रहे हैं। कितना मेहनत करना पड़ा है विद्यालय परिवार को इस तरह का कार्यक्रम आयोजन करने में? एक्चुअली हम लोग सारा साल का ही मेहनत बोला जा सकता है, क्योंकि बच्चों का जो आग्रह हो महाकाश विज्ञान से शुरू करके एकदम इंसान का सेल तक प्रकृति लेके सब कुछ लेके, तो इतना वैरायटी टॉपिक के वो बच्चा इंटरेस्टेड आज का बच्चा एवं अपने हाथ से बनाए हैं, तो इसके पीछे एक महीना तो देखने को हम लोग पीछे पड़े हैं मेला बोल के, फेयर बोल के, लेकिन साल भर का सारे टीचर्स के ठीक से पढ़ाना, बच्चे को गाइडेंस देना, सब कुछ मिल के ही बच्चे का भीतर ये आग्रह क्यूरियोसिटी जन्माते हैं, कुछ करने का इच्छा होता है, लर्निंग बाई डूइंग। बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है इस तरह के आयोजन? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक तो अपना सीखने का चीज़ हाथ में ना बनाने से कोई लाभ नहीं है, सिर्फ थ्योरी का जगत आज नहीं है, पढ़ने का जगत है, प्लस ग्लोबल हम लोग का कंपटीशन का युग हो गया, तो हमें आपका बेहतर करने के लिए और बेहतर करने के लिए बार बार डायरेक्टली प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। और तीसरा एक चीज़ होता है अनुशासन, अनुशासन का प्रैक्टिकल भी क्लासरूम में एक होगा, लेकिन आप लोग इतना बाहर से आदमी आ रहा है, बाहर के गार्जियंस आ रहा है, मिल रहा है बच्चे को खुला, हम लोग डायरेक्टली किसी को पीट नहीं रहे कि डांट नहीं रहे, लेकिन बच्चा बेसिकली अपना अनुशासित होकर अपना ढंग से तैयारी लेके बोल रहा है, ये भी एक सीखने का जगह है। जो मेहरवा के और भी अभिभावक हैं जिनके बच्चे इधर पे हैं या फिर क्या, एक बार संदेश देंगे? हम संदेश यही देंगे कि ये सरकार से नई शिक्षा नीति चालू कर रहा है भारत सरकार प्राय 40 साल बाद, 1986 के बाद न्यू शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी आए, उसमें दो चीज़ का विशेष गुरुत्व है, एक ग्लोबल एजुकेशन, बच्चा ग्लोबल ही तैयार करे लेकिन लोकल बेस, और साथ में डिजिटल एजुकेशन, ये दोनों का हम लोग स्पेशल टारगेट करके ट्रेन टीचर ताकि वो ग्लोबल लेवल कंपटीशन में जा सकते हैं, आके हम लोग सब मिले, कैसा घूमने मिले, कैसा लगा है, एवरीबॉडी इज वेलकम। अपना परिचय बताओ। मेरा नाम है अभिजीत चक्रवर्ती, और स्वर्ण में 15 साल एज ए प्रिंसिपल दूसरा दो स्कूल में थे, जलौर में थे विज्ञान और लास्ट जी आर गवर्नमेंट में थे, मेरा घर कोलकाता हुआ। Enter our blood through the lungs and oxygen from the air, and that also moves to our blood to the lungs. What is your name? My name is Sanket Kumar. Which class? 5A. ये कितना इसका तैयारी था और पूरे विद्यालय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों पर? अन्य बच्चों इसका कार्यक्रम का मेन मोटो यही कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर का जो विज्ञान का कला है या फिर उनके अंदर जो कला है वो हम विद्यालय से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और उसी को दर्शाने की कोशिश की गई है। और कितने दिनों से तैयारी चल रही है? स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे से एक वीक का पूरा वर्क चल रहा था। क्या किस थिंग पर आप लोग यहाँ पर? न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और ये जो है इसमें तीन मुख्य द्वार है संसद भवन में, पहला ज्ञान द्वार, दूसरा शक्ति द्वार, तीसरा कर्म द्वार। ये जो हमारा जो
मेन पार्लियामेंट है, न्यू पार्लियामेंट, ये थ्री थ्री दिस इज अ फोटो ऑफ दिस पार्लियामेंट एंड वी मेक इन 3D। जो ये पार्लियामेंट है, नया पार्लियामेंट है, ये थ्री थीम्स पे इसको इंस्पायर किया गया है। जो लोकसभा का जो इसका इंटरनल थीम्स है वो हमारा जो राष्ट्र नेशनल बर्ड पिकॉक, और ये जो राज्यसभा है इसका जो इंटरनल थीम है वो हमारा राष्ट्रीय फूल कमल लोटस। और ये बता सकते हैं कि ये जो इसमें लोकसभा सदस्यों को बैठने कितनी व्यवस्था है? 888 और राज्यसभा में 384 और कुल मिला के 1272 सीटें हैं इसमें। इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया। नाम बताइए अंकित राज। आपका नाम? अनुराग पटेल। अनुराग पटेल 8B एंड प्लीज वोट फॉर 8B। प्लीज वोट फॉर 8B सर। कौन मौर्य पंकज 8B। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल में साइंस का टीचर हूँ। कम समय में हमारे बच्चों ने जिस तरह का प्रयास किया है काबिले तारीफ है, और मैं चाहता हूँ, जानता हूँ कि ये बच्चे आगे चल करके भविष्य में बहुत ऊंचा उठेंगे। ये जो कार्यक्रम आपके विद्यालय में कराया गया है काफ़ी अनोखा कार्यक्रम है, तो इसकी तैयारी में कितने समय लगे? काफ़ी कम समय, विदिन अ वीक का, एक सप्ताह के अंदर में। ये जो बच्चे हैं काफ़ी तेज़ी से इंग्लिश और हिंदी दोनों में अपने जो सब्जेक्ट उनको दिया गया है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, तो विद्यालय परिवार इस तरह का कार्यक्रम करने में मैंने कितना पहले से लगा हुआ था क्या? एक सप्ताह पहले से ही। क्या कहेंगे विद्यालय परिवार को आप एज ए टीचर हैं? ये टीचर विद्यालय परिवार तो मैंने बहुत ही अच्छा है, और अपनी तरफ से बहुत ही प्रयास कर रहा है कि बच्चे आगे की तरफ बढ़ते रहें। अपना परिचय बता दीजिए। आशुतोष कुमार गिरी, साइंस टीचर। सर, आवर प्रोजेक्ट इज चंद्रयान 3। ये हमारा प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 है, इसको हमने प्रेजेंट किया है। ये हमारा चंद्रयान 3 ये हमारा प्रमुख है, ये यहाँ पे इसका ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे दो यंत्र रहते हैं, ये है विक्रम लैंडर, ये है प्रज्ञान रोवर। ये प्रज्ञान रोवर ये करके है लैंड करेगा। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं इसरो ने इसके पहले एक मिशन कंडक्ट किया था जो था चंद्रयान 2, जो लगभग इसका लैंडर लगभग चंद्रमा की सतह पे उतरने ही वाला था, लेकिन कुछ साल पहले वो हमारे इसरो के हेडक्वार्टर से डिस्कनेक्ट हो गया। फिर इसरो ने वैसा ही मॉडल फिर बना, उसको मॉडिफाई करके फिर बनाया और एक और नया मिशन जारी किया जो है चंद्रयान 3। ये उस पूरे मिशन का सबसे मेन पार्ट है LVM3 रॉकेट। इस रॉकेट के इस पोर्शन में 3 मोर इसरो ने इस पूरे मिशन पर 615 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसमें से 5 करोड़ केवल इस मॉडल पे इस मिशन के सक्सेसफुल हो जाने के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया जिसने 3 चंद्रमा मिशन किया, और पहला ऐसा देश बन गया जिसने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पे पहली बार लैंड किया। मेरा दोस्त आपको आगे, जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया, इसके 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला है प्रोपोर्शनल मॉड्यूल, दूसरा है लैंडर, और तीसरा है रोवर। प्रोपोर्शन मॉड्यूल आप जानते हैं, ये कैरियर की जैसे काम किया था, लैंडर और रोवर को चांद की ऑर्बिट में ले जाने के लिए। उसके काम कार्य खत्म होने के बाद वो पृथ्वी के ऑर्बिट में आकर अब समुद्र में 9 अक्टूबर को गिर गया था। लैंडर जो इसरो के पिता कहे जाने वाले विक्रम साराभाई भी इसका नाम रखा गया विक्रम लैंडर, जिसमें 2 सोलर पैनल है जो 100 वाट की पावर इसको देते हैं, एक एंटीना है जो हमेशा इसरो रोवर से कनेक्ट रहता है। यह एक कैरियर की तरफ काम करता है रोवर। यह एक 6 पहियों वाले एक AI रोबोट है जिसमें 2 सेंसर, एक 3D कैमरा और 2 पेलोड्स है। पहला पेलोड्स का कार्य है कि वह चंद्रमा पर चट्टानों मिट्टी का अध्ययन करे, दूसरा है APXX जो वहाँ पे जाकर खनिज तत्वों का अध्ययन करे। नाम बताओ अपना। अक्षित कुमार मिश्रा। तुम्हारा नाम बाबू? अंकुश कुशवाहा। तुम्हारा नाम? गांशु गुप्ता।